देवभूमि के खास शो पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मारूफ रजा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेलगाम अफसरशाही पर विराम लगाने के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ चलाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि शासन के अधिकारियों के दौरे तय हो गए हैं। सीएम धामी की कोशिश है कि राज्य में अफसर सही ढंग से काम करें ताकि सूबे के हर गांव और जिलों को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से कैलेंडर भी जारी किया गया है ताकि हर अफसर को जो दी गई तारीखें उसके मुताबिक वो अपने ज़िले का निरीक्षण करें, दौरा करें। कैलेंडर में हर अधिकारी के नाम के साथ ज़िले का नाम भी तय किया गया है। धामी सरकार इस मुहिम से नौकरशाही पर लगाम लगाने के साथ साथ पहाड़ों की दशा और दिशा सुधारने का काम भी कर रही है। जहां एक और बीजेपी से सरकार की कमी बता रही है, देरी बता रही है, तो वहीं सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष जो है वो इसको हवा हवाई बातें बता रहे। लगातार उत्तराखंड में अफसरों को लेकर के बातें उठती रही हैं और ये बातें सामने आती रही हैं कि उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो बेलगाम है, वो मंत्रियों की नहीं सुनती, अपने अधिकारियों की नहीं सुनती। इस बात को लेकर के पुष्कर सिंह धामी की लगातार किरकिरी होती रही और विपक्ष उनको इस मुद्दे को लेकर के लगातार घेरता भी रहा है। लेकिन अब जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है बाकायदा जिलेवार जो है सभी अफसरों को लेकर के कैलेंडर तय कर दिया गया और तारीखें तय कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक अब उनको हर गांव में और ज़िले में जाना ज़रूरी है ताकि गांव के विकास को और ज़िले के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से क्या तरीका अपनाया है पुष्कर सिंह धामी ने, इस रिपोर्ट को देखते हैं और वापस चर्चा में लौटाएंगे। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव प्रमुख, सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। भ्रमण कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। अफसर के नाम किस जिले का करेंगे दौरा? रमेश सुधांशु नैनीताल, एल्फिनाई टिहरी, आर मीनाक्षी सुंदरम पौड़ी, शैलेश बगौली पिथौरागढ़, नीतीश कुमार झा चंपावत, अरविंद हयांकी उत्तरकाशी, सचिन कुर्वे चमोली, दिलीप जवालकर बागेश्वर, बीवीआरसी पुरुषोत्तम रुद्रप्रयाग, रविनाथ रमन अल्मोड़ा, डॉक्टर पंकज पांडे हरिद्वार, डॉक्टर रंजीत सिन्हा ऊधम सिंह नगर, विनोद रतोड़ी नैनीताल, हरीशन सेमवाल टिहरी, चंद्रेश यादव पौड़ी, ब्रिजेश कुमार संत पिथौरागढ़, विजय यादव चंपावत, डॉक्टर आर राजेश कुमार उत्तरकाशी, दीपेंद्र चौधरी चमोली, सुरेंद्र पांडे बागेश्वर, विनोद कुमार रुद्रप्रयाग। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। सरकार की जिलों के भ्रमण की व्यवस्था आगामी जून माह से आरंभ होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश की हर तरफ सराहना हो रही है। बीजेपी जहां इसे पहाड़ राज्य के सरकार की अभूतपूर्व पहल मान रही है, तो कांग्रेस अब भी सवाल खड़े कर रही है। चलेंगे और उनका पूरा शेड्यूल बनाएंगे, चाहे प्रमुख सचिव हो चाहे सचिव हो। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है, जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत में बातें कही हैं उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में प्रशासन को और अधिक जन उन्मुखी बनाने और जनता की समस्याओं को यथास्थान सुनने और समझने के लिए प्रदेश के
आला अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य सभी अधिकारी पर्वतीय जिलों में जाएंगे, वहां जनता से संवाद करेंगे। उत्तराखंड को साल 2025 देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 के तहत शासन ने जिला के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को समाप्त किया है। इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव एक जिले तक सीमित न रह सके। और बिल्कुल जिस तरीके से ये शुरुआत की गई है अच्छी मानी जा सकती है, और जो आरोप लगते रहे हैं कि पूरी सरकार पर जो है वो लाल फीता शाही पूरे तौर से काबिज़ है, लेकिन अब उस मिथ को तोड़ दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। और ये उम्मीद जताई जा रही है, लगाया जा रहा है कि अब हर ज़िले का और हर यूँ कहूँ के कस्बे का गांव का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। बीजेपी एक कदम आगे आ गई है, अब कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो मेरे साथ एक सम्मानित पैनल जुड़ा हुआ है, सत्यवीर चौहान है बीजेपी से, यशकाला रतूड़ी है कांग्रेस से, और मोहन असवाल माफ कीजिएगा आप यूकेडी से मेरे साथ मौजूद हैं, शांति प्रसाद भट्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, वो कदम जिसकी बड़े सालों से दरकार थी, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी पर खास करके पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर था कि अफसर शाही जो है पूरी तरीके से हावी है, सरकार की सुनती नहीं है, मंत्रियों की सुनती नहीं है, लेकिन अब पूरा का पूरा कैलेंडर तारीख के साथ बना दिया गया, तो ये समझा जाए कि अब विकास की जो पगडंडी है वो गांव तक जाएगी, कस्बे तक जाएगी, ज़िले तक जाएगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि वाकई विकास जो है वो अब ज़मीन पर है। रजा जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। रजा जी मेरे साथ आपसे एक निवेदन है, पीछे से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है आपके यहाँ से, उनको आप जो आपका पीछे पैनल है उनको बोले कि नॉइस कम करिए। ठीक है सुमित जी, जरा देखिएगा कोई ऑडियो का इशू हो तो। ठीक है अपनी बात रखें। रजा जी आपने कहा कि जो आज मुख्यमंत्री जी जो फैसला लिया है वो उत्तराखंड के विकास और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार का दायित्व, जो हमारी नई सरकार है इसका दायित्व संभाला था, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक जिले में अपने आप भ्रमण और वहां पर किस प्रकार से वहां पर रात्रि विश्राम करना, और रात्रि विश्राम भी ये नहीं कि कोई खास कोई होटल हो या कोई खास किसी तरह का महल हो, उन्होंने जो हमारी जो महत्वपूर्ण जो योजना चल रही है होम स्टे, वहां पर जाके वहीं पे भोजन करना, वहीं पे रहना, फिर जन सामान्य से मिलना, ये पहला कदम उनका था कि लोगों से कैसे सरकार का और मुखिया का संबंध होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने कदम उठाया था कि जितने भी आला जिला अधिकारी हैं वो अपने दूरस्थ क्षेत्रों में जाए, हम आज देहरादून जिले में बैठे हैं, यहाँ की जो डीएम है सोनिका जी वो लगातार प्रवास कर रही है, त्यूनी हमारा सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जा रही है, इसी तरह हमारे दूसरे जो जिलाधिकारी वो भी लगातार जा रहे। दूसरा तीसरा कदम जो मुख्यमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कर जो लिया है कि जितने प्रभारी सचिव वगैरह है वो जाए और वहां से जिस प्रकार की आवश्यकताएं है या उनको लगता है कि शासन के माध्यम से ये आवश्यकताएं और हो सकती है, तो वो मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। और विकास जैसा आपने कहा कि भाई विकास के प्रति हमारी क्या सोच रही, विकास के प्रति हमारी सोच ये है कि किस प्रकार से पहाड़ और पठार का सामंजस्य बने, किस प्रकार से वहां का विकास हो, वो आपने देखा हो चाहे ग्रामीण जो हमारे अंचल है उनमें सड़कों का पहुंचाना, हमारे जब श्रद्धा टेले बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने परिकल्पना करी थी, उस समय खंडूरी जी परिवहन मंत्री हुआ करते थे कि गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से किस प्रकार से जोड़ा जाए, आज प्रत्येक गाँव आपका लगभग जुड़ा है, जो नहीं है जुड़ा उसको भी जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। और जिस प्रकार से हमारी एक महत्वपूर्ण योजना पहाड़ों के लिए और शहरों में जो हमारे जो रहे हुए जो क्षेत्र है कि वहां तक जल कैसे पहुंचाया जाए, साफ जल की कैसे पहुंचाया जाए, हर घर को जल नल के माध्यम से लगातार जोड़ा जा रहा है। अगर दूसरा स्वतंत्र भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, जो मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे हम गांव के निवासी है तो वहां पर पूरे के पूरे गांव का जो होता है पूरा एक मैप होता है, वहां पर ये नहीं होता आइडेंटिफाई कि जो हमारा गांव है कि मेरी जमीन है, जो स्वामित्व देने का अधिकार है जो ड्रोन से पूरा का पूरा मैपिंग किया गया, ये भी हमारी सरकार ने किया है कि प्रत्येक घर का अपना एक एड्रेस होगा कि भाई इसकी इतना लैंड का इसका प्लॉट का एरिया है, ये सब एरिया है, वो सब कार्य भी हमारी सरकार ने किया और लगातार जारी है, और विकास के लिए तो हमारे जिस प्रकार से जनता ने चुना है उसके लिए हम संकल्पित हैं। कांग्रेस के पास चलते हैं, कांग्रेस
से पूछते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने विकास की एक युग रूपरेखा बना दी है, पूरा कैलेंडर तैयार कर दिया है और अब विकास जो है तय सीमा पर सुनिश्चित किया जाएगा गांव का, कस्बे का, जिले का। कांग्रेस किस तरीके से लेती है, जो आरोप लगातार लगते रहे, क्या अब उससे छुटकारा बीजेपी को मिल गया, अब विकास सही मायनों में उत्तराखंड में दिखाई देगा? नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है कि सही मायनों में जो विकास जिसको ये लोग परिभाषित करते हैं वो चुनावों से पहले ही क्यों होने लगता है, उसकी हलचल, उसकी जो सुर्खियां हैं वो चुनावों से पहले ही क्यों बनने लग जाती है, जब निकाय चुनाव आपके सिर पर है, जब लोकसभा चुनाव में आपको अपनी हार का अंदेशा हो रहा है, उससे पहले ही क्यों हो रहा है? और आपके अधिकारियों को आपने निर्देशित तो किया है कि वो जाए पहाड़ों पर प्रवास करें, अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन तब होती जब आपने आज से पहले भी कभी भेजे होते। अब क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ इतने खस्ता हालत में पहुंच चुका है, अपने सबसे निम्न स्तरीय हालातों से जूझ रहा है, उस वक्त पर आप लोगों ने निर्णय लिया, आज से पहले आपको कभी याद नहीं आया? लेकिन चुनावों के मद्देनजर एक पॉलिटिकल मुद्दा दे रहा है, दुरुस्त आए, 5 साल के लिए कोई भी सरकार आती है वो बिल्कुल आखिरी दिन भी कोई विकास की बात करे तो विकास की बात है। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो पहले कुछ करना चाहते थे, अब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में क्या माना जाए कि पुष्कर सिंह धामी के इस कदम से वाकई विकास जो है होगा? अगर होता है तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे तो जनता का भला होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि विकास हुआ है, जब ये पहले हमें ये बताएं कि जो इन्होंने गांव गोद लिए थे उन गांवों के क्या क्या नाम है और उनमें क्या क्या विकास कार्य हुए हैं अभी तक। मतलब खाली खाली गांव पड़ गए और आप वहां पर प्लॉटिंग नापते रहे, ड्रोन घुमाते रहे उन गांवों के ऊपर, तो फायदा क्या है? गांव के स्कूलों में टीचर्स नहीं, गांव के नल में पानी नहीं आ रहा, लोग आज भी धारा और नदियों से पानी लेकर के आ रहे हैं। गांव में जो पुल थे 2013 की आपदा में जो टूट चुके थे, अब तक नहीं बना पाए ये लोग उनको, और कनेक्टिविटी एकदम खस्ता हालत हुई जा रही है। कांग्रेस की मेरी गांव मेरी सड़क योजना का नाम अगर आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रख दिया तो आप उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन वो सड़कें आखिर पहुंच कर रही है? आप सिर्फ और सिर्फ क्रेन लेकर के पहुंचा देंगे और पहाड़ गिराते रहेंगे, ढहाते रहेंगे, और उसको आप सड़क का नाम देंगे, उसको अपनी योजना का नाम देंगे? अरे अगर है हिम्मत और अगर आप लोगों ने कुछ विकास कार्य किया है, अगर आपकी मंशा में खोट नहीं, तो सबसे पहले तो वो बताइए, वो आंकड़ा बताइए कि आपके सांसदों ने, आपके विधायकों ने किन किन गांवों को गोद लिया, उनके नाम से बताइए कि वहां पर क्या विकास कार्य हुए। उसके बाद जनता आप पर विश्वास करेगी कि अब की बार जो आप अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं पहाड़ पर प्रवास करने के लिए, उनकी वो हकीकत में वहां के लिए कुछ कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगा यश आपके पास। मेरे से जुड़े हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी से। शांति जी, क्या कहें कि क्या सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है, संजीदगी भरा है, इसे माना जाए कि वाकई जो पूरी की पूरी अफसरशाही है एक अच्छी शुरुआत तो हुई है? ये माना जाता था कि अफसर जो है वो बिल्कुल अफसर बनकर बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पहाड़ों में क्या हो रहा है, वो जाना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो एक तय सीमा के साथ एक सुनिश्चित किया जा रहा है कि हाँ वाकई अब इनका जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो आप समझ लें कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। शांति जी, मुझे सुन पा रहे शांति जी? जनता पार्टी की सरकार। हेलो जी, देखिए रजा साहब, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है वो विकास के नाम पर कितना तेज विकास उत्तराखंड का कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ जब उत्तराखंड में 45,000 नौकरियां बिक जाए, विधानसभा में भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष नौकरी की जी बोली लगाने लगे, ऐसा विकास भाजपा ने किया है। सरकार है वो ये मान रही है कि 23 सालों में हमने पहाड़ में अधिकारियों को नहीं चढ़ाया, इसीलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है मुखिया वो ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है हम पहाड़ों में अधिकारियों को चढ़ाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये विकास भाजपा ने किया है, मैं खुश हूँ। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है शांति जी आपके नेटवर्क में शायद। ने आज तक राजधानी का मसला तय नहीं किया है, ये विकास उत्तराखंड का। मैं भी इसके तमाम चीजों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चप्पा चप्पा बेच डाला उत्तराखंड का, और विकास के नाम पर घोटाले कर डाले उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के अंदर जनसंख्या विस्फोट कराकर बाहर के लोगों को स्थापित कर दिया, ये विकास उत्तराखंड का हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो विकास नहीं करना चाहिए था, मैं रजा साहब उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को
उत्तराखंड के अंदर पहाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को जो नौकरियां बिकी हैं, विधानसभा अध्यक्ष को जिसने विधानसभा के अंदर फर्जी नौकरियां लगाई है, उसे भारत रत्न का सर्टिफिकेट भाजपा ने नहीं दिया है, इसका मैं भाजपा का विरोध करता हूं। उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर जल हर घर नल की नीति पूरे उत्तराखंड के अंदर लागू करा है, उसमें जल नहीं है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि जल में नल नहीं है मगर पाइप में घोटाला करने के लिए घर घर पाइप लगा दिए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे विकास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि चप्पा चप्पा उत्तराखंड का बिक जाए। जब तक बिके नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड को बर्बाद करने की मुहिम में लगा रहना चाहिए। ये आपका विकास का मॉडल देश के अंदर जो है नाम करेगा। और देवभूमि को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दानव भूमि बना रही है, शराब भूमि बना रही है, माफियाओं की भूमि बना रही है, इस भारतीय जनता पार्टी की सफल नीति का मैं समर्थन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से पैनल में बैठे हुए जो भी व्यक्ति इन चीजों के इतर विकास की उम्मीद करता है, मैं ये मानता हूं वो मानवीय व्यक्ति नहीं है, वो मानसिक रूप से दिवालिया है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ऐसा शांति प्रसाद जी राशन के लिए आदमी जो है मजबूर हो गया है। इसके बावजूद भी यदि दोबारा आपको चर्चा मिलूंगा, दोबारा चर्चा मिलूंगा आपको शांति जी, दोबारा चर्चा मिलूंगा। सत्यवीर चौहान जी, बहुत सारे निशाने और बड़े अनूठे अंदाज में लगा दिए शशि जी ने, शांति जी ने, कि लगातार जब भी बात होती है भ्रष्टाचार के कई आयाम खुल जाते हैं। नौकरियों का घोटाला, भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, अंकिता मर्डर केस, तमाम चीज़ें। और ये आम तौर पे है, कहा जाता है कि मैदानी इलाकों की बनिस्बत पहाड़ी इलाकों की अनदेखी की गई और पहाड़ी लोगों को पूरी तरीके से जो है वो अलग थलग डाला गया, नज़रअंदाज किया गया, विकास से दूर रखा गया और यूं कहूं कि मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। और जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्ट जी बता रहे हैं कि इन सबका जो ठीकरा कहे या यूं कहूं कि इन सबका जो ताज कहे वो बीजेपी के सर पे लगाते हैं। सत्यवीर जी। हाँ रजा जी, मैं इन्हीं के शांति भट्ट जी की बात पे ही आ जाता हूँ। सत्ता की क्या छटपटाहट होती है वो आपने देखा कि आपने कहते हैं ना कि उदाहरण के लिए मछली को जल से बाहर निकाल दो तो किस प्रकार से छटपटाती है। अब सत्ता से बाहर हो गए पहले भी और अब भी बाहर हो गए और नोटा से कम वोट मिला है तो छटपटाहट आप देख सकते हो कि किस प्रकार की बैसाखियों वाली सरकार में इन्होंने किस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले किए तो सभी ने देखा है। अब बात आ जाता हूं कि भाई उत्तराखंड में विकास, आप ये बता दीजिए कि जब पहला एम्स आता है किसकी सरकार में होता है? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा सैटेलाइट एम्स आ रहा है किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। श्रीनगर का जो मेडिकल कॉलेज किसकी सरकार में बना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज किसकी सरकार में बना? भारतीय जनता पार्टी। दोनों क्षेत्र कौन से? पहाड़ी क्षेत्र। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैदान में कौन से जो मेडिकल कॉलेज उनका नाम नहीं लूंगा, आपने पहाड़ को ज्यादा फोकस किया है उन्हीं पे आऊंगा मैं। और दूसरा ये बता दीजिए कि जितनी तीसरी बात ये बता देता हूं आपको, जितनी भी ऑल वेदर रोड बनी है और जिससे कि रिकॉर्ड थोड़ा हमारे धर्म अनुरागी जो आ रहे हैं चार धामों के दर्शन करने, वो ऑल वेदर की रोड कहां पर है? अगर किसी को अपने 5-स्टार कमरों से बाहर आने की आदतें नहीं है तो क्या वो उसमें हमारा दोष तोड़ना है रजा जी? और आज जिस प्रकार से और एक मैं बात से इनके बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, कांग्रेस की बात में उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा जो इनके समय का एक बड़ा दिखा, पूरे भारत ने देखा किस प्रकार के घोटाला, कह रहे कि उस समय जो पुलिया गिरी थी या पुल गिरे थे वो बने नहीं है। अरे हरीश रावत को स्टेटमेंट याद कर लीजिए, उन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ था हमने उसकी सारी भरपाई कर दी। अब देखिए इनके कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इनके बयान में, हरीश रावत के एक मुखिया, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता कहूं जो भी कहूं ठीक है, मगर हरीश रावत के उस बयान का ही खंडन कर दे रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। मैं इनसे याद दिलाना चाहता हूं जब बद्रीनाथ की यात्रा पे माणा में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब रात्रि विश्राम किया था और बद्रीनाथ से इन्हीं के विधायक है राजेंद्र भंडारी जी, एक बार बता दीजिए वहां पर विकास का खाका खींच देते प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरा प्रवास किया, पूरे की पूरी सरकार वहां पर थी, राज्यपाल जी वहां पर थे, तो उनके विधायकों की क्योंकि उस विधानसभा के प्रतिनिधि है तो उनको भी न्योता दिया गया था, वो उस समय भी गायब रहे।
क्योंकि विकास के प्रति उत्तराखंड क्यों आगे बढ़े इनका कभी वो रहा ही नहीं, इनकी दृष्टि रही नहीं है। और गौरीकुंड से जिस प्रकार से केदारनाथ के लिए रोपवे बन रहा है और गंगोत्री में आपको बताया मैं आपको पूरा करता हूँ, गंगोत्री के लिए जो रोपवे 2011 में सेंसर हुआ था खंडूरी जी के और निशंक जी के समय में परमिशन दिलाने का काम किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ये विकास का एक काम। दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी जो योजना थी उसका नाम बदले, मैं बताता हूँ नाम कैसे बदले जाते हैं। ये तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, आप ये जो जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ एक बार सचिन, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि मेरे पास बहुत ही कसा हुआ 28-29 मिनट होता है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रवक्ताओं से बात ले लूं और एक कंक्लूडिंग कमेंट पे जाऊं, सॉल्यूशन पे जाऊं। सत्यवीर जी एक बात हो चुकी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यशपाल यश क्या कहेंगे, तमाम जो विकास हुआ है वो गिनाया है सत्यवीर जी ने के पहाड़ में हुआ है उसकी नजरअंदाजी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि यहां तक के आपके विधायक का नाम लिया वो मौजूद नहीं रहते। जहां पर विकास की बात होगी, आगे बढ़ने की बात होगी, वहां पर कांग्रेस कन्नी काट जाती है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ उंगलियां उठाएगी। देखिए पता नहीं कहां से ऐसे आंकड़े उठा करके लाते हैं, मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित हैं बहुत ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इनको अपनी जितनी भी ब्रीफिंग मिलती है वो शायद से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ राजेंद्र भंडारी जी का इन्होंने नाम दिया, बद्रीनाथ से विधायक है और उनसे पहले कौन रहे वहां से विधायक, महेंद्र भट्ट जी जो कि इस वक्त पर इनके भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब जोशीमठ में इतनी आपदा की शुरुआत हो रही थी, रेणी की आपदा आई, उस वक्त पर वो कहां गायब थे, और आज जब वो लोग सड़क पर बैठ करके गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो तो वो उन्हें माओवादी नक्सली पता नहीं कैसे कैसे नामों से उनको जो है सुशोभित कर रहे हैं। तो भैया बहुत बधाई के पात्र है महेंद्र भट्ट जी जो इस तरीके से जनता को जो है पुकार रहे हैं, जिस जनता ने एक वक्त पर उनको चुन करके विधायक बनाया और उन्हीं के बदौलत शायद से आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और अब मैं बात करूं राजेंद्र भंडारी जी की, आप क्या बात करते हैं, जिस वक्त पर पूरी की पूरी लोकसभा की मीटिंग होनी थी, जब क्षेत्रों के विकास की बात होनी थी, इन्होंने उस मीटिंग में गढ़वाल से राजेंद्र भंडारी जी को इनवाइट ही नहीं किया, बाकी तमाम हर एक व्यक्ति को बुला करके रखा और उन व्यक्ति को जो बद्रीनाथ के लिए, जो जोशीमठ के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए लगातार आवाज पे आवाज उठा रहे हैं उनको इन्होंने इनवाइट नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता है भाई अगर राजेंद्र भंडारी जैसे कांग्रेसी काम के विधायक अगर वहां पर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता, कोई भी एक प्रतिनिधि बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुद्दों की बात करेंगे, वो यहाँ वहां पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात नहीं करेंगे। और ये क्या बात कर रहे हैं आप अधिकारियों को, आपको आज याद आई कि आप अधिकारियों को जो है पहाड़ में भेजे, इससे पहले के कार्यकाल में तो आपको कभी भी याद नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप कांग्रेस पर उंगली उठाएंगे, कांग्रेस के टाइम पे जरूरत कभी आई नहीं, कांग्रेस के टाइम पे तो हर एक विधायक अपने क्षेत्र में इतना हाजिर रहता था कि किसी को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और अधिकारियों की जब जब जरूरत होती थी उनकी तैनाती की जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अफसरशाही जो है चरम पर है, इनकी चलती रही है और अब चुनाव से पहले कुछ मामला मसाला बनाने के लिए ये जो है अधिकारियों को चुनावी साले सब कुछ चुनावी भेंट चढ़ेगा। 2024 में भी चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, उससे पहले भी चुनाव है। राजनीतिक पार्टियों के साथ दिक्कत है कि सारा फोबिया चुनाव से ही जुड़ा है। विकास के नाम पे नफाजी होगी, बातें होगी, बयानबाजियां होंगी, भाषणबाजी होगी, लेकिन मुद्दे की बात नहीं होगी। सत्यवीर क्या कहे, अब ये जो कैलेंडर बन चुका है, क्या इस कैलेंडर को अगर कोई अधिकारी नहीं मानता, नानुकुर करता है तो उस पर सरकार क्या कदम उठाएगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहा जी, बोलिए सत्यवीर जी। रजा जी मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूं, इन्होंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए मैं उसी बात पे उलझना नहीं चाहता, मैं सिर्फ मुद्दे पे रहना चाहता हूं सत्यवीर जी। मैं खुद वहां पर गया था, इस बात को देश की जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, हमारे पक्ष भी जानना चाहता है कि आखिर मगर कैलेंडर बनने के बाद अगर कोई अधिकारी नामजद करता है, पहाड़ों में नहीं जाता है, अपने जिलों में नहीं जाता है, तो सरकार उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी? अधिकारी कैसे काम करते, अरे हम टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के गले नहीं लगे जेल में जाके, मैं क्लियर कर दूं आपको, हमने नहीं लगे, हमने टुकड़े जेल में जब राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के गले लगे, हम नहीं गए, हमने गले लगने के पाकिस्तान से उस वक्त संबंध चीन से सबको बता राहुल गांधी के, जब कोविड आया था किस प्रकार से चाइना की राजदूत के भी करनी टेबल के नीचे कैसे, अरे चाइना का नाम भी राहुल गांधी का नाम ले लो, राजीव गांधी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर बात हो पाए, कोई समाधान,
प्रदेश की जनता तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आपका शांति प्रसाद भट्टी, बहुत शुक्रिया सत्यवीर आपका, और बहुत शुक्रिया यश आपका भी। एक कदम अच्छा है, लेकिन इस कदम को ईमानदारी से, संजीदगी से, सही मायनों में सरकार अगर पूरा कर पाती है तो उत्तराखंड के कस्बे में, हर ज़िले में, हर गांव में विकास पहुंच सकता है। लेकिन ईमानदारी इसकी कसौटी है। सिर्फ चुनावी द्वंद्व है या चुनावी सरकारें हैं या चुनावी बयानबाजी है, तो फिर आप ये समझ लें कि जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानती है और वक्त आने पे सब कुछ बता भी देगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहे न्यूज़ ऑन इंडिया। धन्यवाद।